लाइव स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मेरे तेज गिरी दोस्तों आपको आप लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों। चलिए तो आप लोग की डिमांड थी पार्टनरशिप के बाद मैंने 3 वीडियो बनाए थे पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर के वीडियो, तो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मेरे पास मेल भी आया कि सर आप बोट एन स्ट्रीम कराइए, बोट एन स्ट्रीम कराइए और बोट एन स्ट्रीम का प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लीजिए और कुछ नए क्वेश्चन भी लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग बोट एन स्ट्रीम देखेंगे दोस्तों। तो पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बोट एन स्ट्रीम का आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, उसके बाद ही हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ना स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में स्पीड ऑफ बोट हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर जी थोड़ा सा सही से चलिए, इसको हम लोग ले लेते हैं कितना एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर को हम लोग जो ले रहे हैं दोस्तों वो एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक। दूसरा हम लोग लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को लेते हैं हम लोग वाई किलोमीटर पर आवर। आज की क्लास में ऐसा बताऊंगा कि आप लोग भूलिएगा नहीं, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है। वो हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह उप्रवाह बोलते हैं ना, तो वो सब आप कभी नहीं भूलिएगा जीवन में। देखिए पहले मैं ना एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताऊँगा, उससे पहले ना मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। जैसे देखिए ना आप समझिएगा एक बात, डाउन डाउन जो होता है डाउन, ऐसे आदमी गुस्सा हो जाता है, आदमी किसी से क्या हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मान लीजिए गर्लफ्रेंड से गुस्सा हो गया, वाइफ से गुस्सा हो गया, कोई भी किससे गुस्सा हो जाता है, तो गुस्सा होता है तो क्या उस जो भी आदमी जो कूल रहता है वो क्या कहता है, शांत बैठो बैठो बैठो, बैठ के बात करेंगे, साथ में बैठ के बात करते हैं, साथ में बैठ के बात कर, चुप चुप, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, मतलब क्या डाउन, बैठ के आराम से बात करेंगे, क्या करना है डाउन, आराम से बैठ के बात करना है, मतलब डाउन स्ट्रीम, आराम से बैठ के बात करेंगे। दो लोग हैं तो दोनों लोग आराम से बैठ के बात करेंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक। और अब गुस्सा ज़्यादा, हप एकदम गुस्सा बहुत आ गया, आप निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, दिखना नहीं तुम, ऐसे गुस्से में आदमी बोलता है ना, तो अब मतलब एकदम आग बबूला हो गया, क्या हो गया दोस्तों, एकदम आग बबूला हो गया। तो आग बबूला में क्या, आप एकदम अब भागने के चक्कर में है, तो एक्स माइनस वाई, आग बबूला हो गया, तो एक्स माइनस वाई। एक तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, डाउन जो होता है ना डी, अंग्रेजी में डी ऐसे लिखते हैं, आप लोग देखते होंगे डी, डी ऐसे लिखते हैं, डी लिखते हैं ना ऐसे, अब इसको ऐसे घुमा देते हैं तो डी बीच में देखिए प्लस का सिंबल आ रहा है, डी में मतलब डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, प्लस होगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप लोग भूलिएगा नहीं। अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है ना वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखिए ना दोस्तों, हिमालय जो होता है ना, हिमालय से नदी गिरती है, हिमालय से नदी गिरती है, तो ये डाउन है, गिर रही है, मतलब क्या है डाउन। तो अब इसमें आप अपना कैप डाल दीजिएगा, कुछ भी डाल दीजिएगा ना, तो धारा उसको सहयोग करते हुए चली ले आएगी, नीचे ले आएगी, तो कोई भी चीज़ सहयोग करती है तो बीच में क्या होता है, प्लस, ठीक है। अब आप इसके अगेंस्ट, नदी इधर गिर रही है, हिमालय से आप ऊपर चल रहे हैं, नदी गिर रही है आप ऊपर चल रहे हैं, नदी गिर रही आप ऊपर, मतलब धारा आपको रोकेगी, अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, माइनस। तो अप स्ट्रीम को बोलते हैं क्या, ऑल्सो हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट द करेंट, और डाउन स्ट्रीम को हम लोग क्या बोलते हैं, अलोंग द करेंट, अलोंग द करेंट। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग जीवन में कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों। क्या मैंने बताया, गुस्सा आदमी हो जाता है तो कहते हैं नहीं डाउन डाउन, आराम से बैठ के बात करते हैं डाउन डाउन, अब एकदम निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद दिखना नहीं, अप स्ट्रीम में कहते हैं ऐसे, ठीक। तो अब कभी भूलिएगा नहीं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन अब देखिए दोस्तों, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, डाउन स्ट्रीम को हमने डी ले लिया, अप स्ट्रीम को हमने क्या लिया, यू ले लिया, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 2x हो गया, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, डी प्लस यू। तो x निकालना है तो क्या करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2 x निकालना है। वैसे ही अगर y निकालना है तो y निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2। अब ये नहीं भूलिएगा कभी, यहाँ तक बात आपको समझ आ गई, x क्या हो जाएगा, x यहाँ पे निकालना है तो x इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक, क्लियर है। तो जहाँ भी x लिखा रहे हम सॉल्यूशन में, वहाँ स्टील वाटर रखेंगे, y स्ट्रीम रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना, अलग अलग नोटेशन रख के, ठीक। कह रहे द टाइम टेकन बाई बोट टू ट्रेवल डी प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डी प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया इज डबल दैट टू डबल टेकन टू ट्रेवल डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, तो पहले इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से करते हैं, मेथड हमारा होगा जो बेसिक,
तो टाइम जो लेते हैं ना वो टी ले लेते हैं। टाइम कितना ले लेते हैं दोस्तों, डी प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, डी प्लस 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया इज डबल देन टेकन 2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में टाइम टी लेते हैं तो अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, 2t, दुगुना टाइम होगा, बोला है ठीक। इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर एंड स्पीड ऑफ करेंट, तो यहाँ पे एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है दोस्तों, कितना 5:1 दिया हुआ है, 5:1 क्लियर है दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसको मान लेते हैं कितना 5k एंड k, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, 5k प्लस k बाई 2, 6k बाई 2 कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा, सॉरी 2 नहीं करते ना दोस्तों, अरे वो x निकालने के लिए 2 करते ना, 5k प्लस k कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका दोस्तों, 6k हो जाएगा। और अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 5k माइनस k, 5k माइनस k बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4k ठीक। अब यहाँ पे डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस गया है वो ट्रेवल टू d किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस गया है वो कितना गया है, d किलोमीटर, अप स्ट्रीम में जो डिस्टेंस गया है वो दोस्तों कितना गया है, d प्लस 12। अब बस कुछ नहीं है, कंप्लीट रेशियो लगा दीजिए या डायरेक्ट डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस ले लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ कंप्यूटर जी, थोड़ा सा स्पेस के लिए। तो डाउन स्ट्रीम में गया d किलोमीटर, टाइम कितना लिया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम t लिया, स्पीड कितना 6k, अप स्ट्रीम में कितना गया d प्लस 12, टाइम कितना लिया 2t, और यहाँ पे स्पीड कितना हो गया 4k। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते दोस्तों, इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते। तो डिवाइड करने से फ़ायदा क्या होगा, ये k से k कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, केस यहाँ कट ही नहीं रहा दोस्तों, कंप्यूटर जी सही से कटी, और 2 से कट गई है 3 times, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4d इज इक्वल टू 3d प्लस 12 36 ठीक। तो d की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 36 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं बेसिक से ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये इतना दिक्कत थोड़ा थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो रहा है, कोई बात नहीं। d की वैल्यू कितनी आ गई, 36, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। चलिए बेसिक से ये क्वेश्चन समझ आ गया, अब इतना नहीं करना है दोस्तों, बस हमको इतना बताइए डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है हमको, बस रेशियो ले लेना है, क्या लेना है, रेशियो ले लेना है दोस्तों, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ लिख दीजिए डाउन स्ट्रीम और इधर लिख दीजिए अप, यहाँ लिखते हैं स्पीड, यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग दोस्तों, स्पीड। तो देखिए यहाँ पे स्पीड 5, रेशियो ही तो लेना है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना 6, अब 5 - 1 4 स्पीड, और ये टाइम ले लेना है, क्या दोस्तों इस टाइम ले लेना है। तो डाउन स्ट्रीम में दुगुना टाइम लगा है अप स्ट्रीम से, तो 2:1, इसी को गुना करेंगे तो किसका रेशियो आएगा, डिस्टेंस का। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो रेशियो कितना आ गया दोस्तों, और 2 से ये कट गया, और 2 से ये कट गया कितने टाइम्स, 3 times, उल्टा लिख दिया क्या हमने, ओ सेट, अप स्ट्रीम में दुगुना टाइम लगा है ना, अप स्ट्रीम में डबल टाइम, देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये तो 4 ही रहेगा, टाइम जो डबल लगा है वो कहाँ लगा है दोस्तों, अप स्ट्रीम में, नॉट डाउन स्ट्रीम में। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको सही से करिए, तो यहाँ पे दुगुना टाइम कहाँ लगा है, यहाँ पे मतलब 1 इधर लगा है तो 2 इधर लगा है, तो 2 से कट गया 3, तो रेशियो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कितना हो गया, 3:4, यहाँ पे कितना ज़्यादा, 1 यूनिट, अप स्ट्रीम में कितना ज़्यादा गया, 1 यूनिट। अब अप स्ट्रीम में देखिए डी गया है डी प्लस 12, तो कितना ज़्यादा गया, 12 ज़्यादा गया, तो 1 में कितना गया है 12, डाउन स्ट्रीम में पूरा पूरा डी गया है तो 3 गया है, तो 3 में कितना 12 36 किलोमीटर जाएगा, 1 में 12 तो 3 में कितना 36 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। रेशियो से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको रेशियो से समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है, IBPS PO का, हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके बाद कुछ मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, नए टाइप के न्यू पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम लोग बेसिक से कर लेते हैं पहले दोस्तों, कोई दिक्कत आप लोग की नहीं है तो, डाउन और यहाँ लिखते हैं अप स्ट्रीम ठीक, पहले बेसिक से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, क्लियर है दोस्तों। ए बोट टेक्स 6 hours टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 6 hours लिया है और अप स्ट्रीम में कितना 5 hours, यहाँ लिखा हुआ है द डिस्टेंस ट्रेवल अप स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में आधा है, अप स्ट्रीम में कितना है दोस्तों आधा है, तो डिस्टेंस बाई 2, और डाउन स्ट्रीम से
ठीक, डी लिया तो ये डी बाई टू, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए, आसान बनाने के लिए इसको यहाँ पे 2d ले लेते हैं, तो आधा किया तो d, ठीक। डिस्टेंस, इफ द स्पीड ऑफ द करेंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड जो है किसका दोस्तों, करेंट का, मतलब y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, y दिया हुआ है कितना, यहाँ पे लिख देते हैं y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, x नहीं दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा स्पीड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 4 हो जाएगा अपस्ट्रीम में, ठीक। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, यही तो पूछा है दोस्तों। अब वापस से वही लगा देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, यही वाला लगाते हैं, तो यहाँ डिस्टेंस कितना 2d, और यहाँ स्पीड कितना 6, और यहाँ टाइम कितना 6, और स्पीड इन टू टाइम, और इसका कितना d, ये कितना 5, और ये कितना एक्स माइनस 4, यही हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड करने से d कैंसिल आउट हो गया, अब इसी को तो सॉल्व कर देना है दोस्तों, तो ये इधर जाएगा, तो 5 × 10 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 6x+4, इसको सॉल्व करना है तो 10x माइनस का 40 इज इक्वल टू 6x प्लस का 24। अब दोस्तों ये इधर जाएगा तो 4x, और ये इधर जाएगा, 4x की वैल्यू कितनी हो गई 64, 4x की वैल्यू कितनी हो गई 16 × 64, एक्स का वैल्यू 16 आ गया, एक्स का वैल्यू कितना गया 16, यही निकालना था हमको, तो एक्स बराबर कितना गया 16 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बेसिक से मेथड कौन सा था ये अपना, बेसिक रेशियो से भी इस क्वेश्चन को करते, बस 10 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम का कैसा भी क्वेश्चन हो 10 सेकंड रेशियो से बनाइए, 10 सेकंड कुछ नहीं करना, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दोस्तों, 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम आपका लगने वाला नहीं है, बस हमें बता दीजिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम, ये सबको पता है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और बहुत सुनहरे अंदाज से दोस्तों, बहुत ही सुनहरे अंदाज से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, और इधर लिख देते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। अब मुझे बताइए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो देखिए ना यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल अप स्ट्रीम इज हाफ देन डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस गया है वो कितना गया है, दुगुना गया है, अप स्ट्रीम में एक गया है डिस्टेंस, तो ठीक ये हमारा डिस्टेंस, अपॉन का क्या लेना है हमको दोस्तों, टाइम ले लेना है, तो टाइम यहाँ पे कितना है, ए बोट ट्रेवल 6 आवर टू ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में जो वो डिस्टेंस लिया है वो कितना लिया है 6 लिया है, और अप स्ट्रीम में कितना लिया था 5, तो 2 से कट गया 3, तो ये रेशियो स्पीड का आ गया दोस्तों कितना 5:3 आ गया, कितना 5:3, स्पीड का रेशियो आ गया कितना 5:3। अब यहाँ से आप लोग बेसिक लगा सकते हैं दोस्तों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अप स्ट्रीम एक्स माइनस 4, ये वैल्यू कितना है 5/3, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x+12 इज इक्वल टू 5x-20, तो यहाँ पे माइनस का 20 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2x, 2x का वैल्यू ये इधर चला गया 32, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 16, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ऐसे भी कर सकते थे, आ नहीं तो सबसे स्मार्ट अप्रोच मैं बताता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का, ये इसको मिटा दूँ मैं, यहाँ पे ना x और y का सिंपली रेशियो निकाल लीजिए, देखिए बहुत सुनहरे अंदाज से, बहुत प्यारे प्यार तरीके से निकलेगा, प्यारे तरीके से x रेशियो y लिख देना है, क्या लिख देना है x रेशियो y, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, 5+3 8, 8/2 4 हो गया x, अब 5-3 2, 2/2 1, 4:1 सिंपली आ गया, क्यों x मैंने बताया था अभी यहाँ पे आप लोगों को, देखिए दोस्तों क्या होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, और ये डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, ठीक क्लियर है। तो y एक यूनिट है, y एक यूनिट है, एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो एक यूनिट का वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका आंसर सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं था दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अभी माइंड को हम लोग ब्रश अप कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे इसमें डिस्कशन, पर स्लोली स्लोली धीरे धीरे, एक दिन में ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो, एक दिन में ज़्यादा नहीं करना। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 गायब हो गया क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है इधर, 5, 6, 7, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पता नहीं, नहीं यार इधर टाइप नहीं होगा, ये आगे कहीं मिलेगा, हो सकता है मैंने अरेंज किया हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका, ठीक है। क्या करें, तो वही बेसिक से करें या सीधा रेशियो से ही करते हैं, या बेसिक लगाएं इसमें भी, चलिए थोड़ा सा एक बार और बेसिक लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं डाउन
और इधर लिख देते हैं। अब द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ डी माइनस 56 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखिए डिस्टेंस यहाँ जो दिया हुआ है अप स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है, डी माइनस 56, ठीक। एंड डाउन स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, डी डिस्टेंस। द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, रेस्पेक्टिव रेशियो डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, रेशियो दिया हुआ है स्पीड का 5:3, 5:3 दिया हुआ है दोस्तों, क्लियर है। 5:3 कितना दिया हुआ है, 3। अब क्या करें, इफ द टाइम टेकन, इसको छोड़िए, यहाँ पे टाइम का दिया हुआ था, टाइम टेकन इज हाफ, अप स्ट्रीम में कितना है, अप स्ट्रीम इज हाफ दैट टू डाउन स्ट्रीम से हाफ है, तो मतलब डाउन स्ट्रीम में दुगुना है, मतलब यहाँ टी लिए हैं तो यहाँ 2t टाइम, यही बोला है, अप स्ट्रीम में आधा टाइम है, मतलब यहाँ 2t लिए हैं तो यहाँ टी लिए हैं, ठीक। तो वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं दोस्तों जो अभी तक लगाते आ रहे हैं, डी इज इक्वल डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, 5 × 2t, ठीक, डी इज इक्वल टू 5 × 2t, तो डी माइनस 56 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3t। अब यहाँ से डी का वैल्यू भी रख सकते हैं, 10t हो जाएगा, तो यहाँ पे रख देंगे 10t, अब माइनस का 56 इज इक्वल टू 3t, ये इधर आ जाएगा, तो 70 बराबर 56, तो t बराबर कितना आ गया दोस्तों, t बराबर 8 आ गया, t की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। यहाँ से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे, पर दोस्तों देखिए ना, यहाँ पे ना एग्जैक्ट 5 नहीं है, इसमें गलती ये हो सकती है कि यहाँ एग्जैक्ट 5 नहीं है, ये 5 के और 3 के होगा, कुछ ऐसा होगा, तो आप यहाँ पे के मल्टीपल में आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो आएगा ना वो के मल्टीपल में, मतलब टी एग्जैक्टली 8 नहीं होगा, 8 के आएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं कीजिएगा कभी लाइफ में, समझ रहे, बेसिक से बना रहे हैं तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्योंकि 8 नहीं आएगा, 8 की आएगा, के का वैल्यू कुछ रेशियो हो सकता है। तो मैंने हमेशा, मैं अभी दो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हमने क्या बताया कि जब भी ऐसा हो तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, रेशियो ले लीजिए, यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3d इज इक्वल टू 10d और माइनस का 560, ये इधर गया ये इधर गया, तो 7d की वैल्यू कितनी हो गई, 560, तो d का वैल्यू कितना गया, 80। अब यहाँ पे सॉल्व हो गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d बराबर कितना गया दोस्तों, 80 किलोमीटर। अब इसको मिटा दिया जाए, d का वैल्यू हमारा निकल चुका है, कितना गया, 80 किलोमीटर, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो, लोड ज़्यादा नहीं लेना है। अब दोस्तों क्या बोला है, इसको हटा दीजिए, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इफ़ द टाइम टेकन टू कवर डी माइनस 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 4 आवर, डी माइनस 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाएगा दोस्तों, तो अप स्ट्रीम में डी माइनस 32, यहाँ पे रेशियो दिया हुआ था आपका कितना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का 5k था और 3k था, तो मतलब 3k डिस्टेंस, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कंप्यूटर जी ठीक से चलिए, तो स्पीड आपका 3k, डिस्टेंस कितना, तो डी माइनस 32, टाइम कितना लगा, 4 घंटा, तो 3k इज इक्वल टू 80 माइनस 32 बटा 4, 80 माइनस 32 48, 48 बटा 4 ये कितना हो जाएगा, 12, तो k का वैल्यू कितना आ गया, 4, के का वैल्यू, कंप्यूटर जी ठीक से चलिए, के का वैल्यू कितना गया, 4 किलोमीटर पर आवर, इतना प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं कंप्यूटर जी, आप सही से नहीं लिख रहे हैं, के का वैल्यू कितना गया, 4 किलोमीटर पर आवर, के का वैल्यू कितना गया, 4 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से वही वापस से थोड़ा सा बेसिक लगाएंगे हम लोग कैसे दोस्तों, तो देखिए, तो एक्स प्लस वाई अपॉन का एक्स माइनस वाई, ये रेशियो कितना हुआ है दोस्तों, तो 5/3 दिया हो कंप्यूटर जी, अरे ये कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा एक सेकंड, जस्ट ए मिनट, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, पानी गिर जा रहा है ना पसीने की वजह से, तो ये हो जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पे कितना है दोस्तों, 5k + 3k 8k हो गया, और यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू निकल सकता है, या ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं, 3k का वैल्यू कितना आ गया, 12, 3k का वैल्यू, अरे यार कंप्यूटर जी कैसे, इसको यहाँ 12 लिखिए ना सही से, जस्ट ए मिनट दोस्तों, समथिंग प्रॉब्लम इधर हैपन, देखिए तो 3k का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 का वैल्यू कितना, 3k का वैल्यू चल क्यों नहीं रहा है, 12, 5k का वैल्यू कितना आ गया, 20, हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ वाटर करंट, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2 होता है, तो 12 - 20/2, 8/2 कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, क्या ये बात समझ आ गया सबको,
इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से भी कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, रेशियो से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए कंप्यूटर जी इसको मिटा दिया जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों। रेशियो से इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है दोस्तों ये क्वेश्चन। देखिए कुछ नहीं करना है हम लोगों को, यहां हमको लिखना है डाउन और यहां लिखना है अप। क्या लिखना है दोस्तों, डाउन और इधर लिखना है अप। स्पीड का रेशियो देखिए 5:3 दिया हुआ है। स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5:3। और टाइम का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। दोनों को गुना कर देंगे हम लोग दोस्तों तो डिस्टेंस का रेशियो निकल जाएगा 10:3। मतलब डाउन स्ट्रीम में 10 यूनिट गया, अप स्ट्रीम में 3 यूनिट गया। कितना कम गया, 7। कितना कम गया, 7। और 7 में कितना कम गया, 56 किलोमीटर। तो 7 में कितना कम गया, 56। तो 1 में 8 है तो 10 में 80। तो डी का वैल्यू आ गया आपका 80। यहाँ से आपको पता चलेगा डी का वैल्यू कितना गया, 80। क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डी माइनस 32 मतलब 48 किलोमीटर 4 घंटे में, 48 किलोमीटर 4 घंटे में कितने की रफ्तार से, 3 यूनिट में। तो 3 यूनिट में कितना गया, 48 किलोमीटर। डी माइनस 32 48 किलोमीटर मतलब 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, पिछले मैंने बताया था, क्या बताया था दोस्तों, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:3। तो यहाँ से x बाई वाई निकालेंगे, क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2। तो 5 + 3 8, 8/2 4, 5 - 3 2, 2/2 1, 4 का रेशियो आ गया। ठीक, तो एक ही तो निकालना है, 3 यूनिट में 12 आया, 3 में कितना गया, 12। तो 1 में कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 1 में आपका 4 आ जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों, बहुत सुनहरे अंदाज से बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यह भी PSPO का क्वेश्चन है, क्या करें, द करंट ऑफ ए स्ट्रीम रन्स एट ए रेट ऑफ 4 किलोमीटर इन एन आवर। कैसे रन कर रहा है, 4 किलोमीटर एक एन आवर में, मतलब y का वैल्यू आपका दोस्तों दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर। कुछ लग रहा है स्क्रीन में चिपक गया है, प्रॉब्लम हो गया, ऐसे चल नहीं रहा है। बोट गोज 6 किलोमीटर एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स, मतलब 6 किलोमीटर गया है तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो अप स्ट्रीम में आएगा x प्लस 4 से, और 6 किलोमीटर वापस आया है तो x माइनस 4 से। यहाँ y नहीं है दोस्तों, 4 से, 4 दिया हुआ ना y की वैल्यू। और ये टोटल कितना टाइम लगा, 2 टाइम। इसी को तो सॉल्व करना है दोस्तों। सबसे बेस्ट अप्रोच जो इस क्वेश्चन का होता है ना दोस्तों, ऑप्शन से उठाइए रख दीजिए। यहाँ 6 रखिएगा तो 6 × 4 = 10 डेसिमल में बनेगा, नहीं बनेगा। 7.5 रखिएगा डेसिमल में बनेगा, ये भी डेसिमल में बनेगा। 8 रख के चेक कर लेते हैं तो 8 × 4 = 12 तो 6/12। और यहाँ पे 8 - 4 तो 6/4। 6/12 का मतलब कितना हो गया दोस्तों, 1/2, 1/2। और ये कितना हो गया, 3/2। 2 घंटा आ गया, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो समझ आ रहा है तो चलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और करेंगे हम लोग नेक्स्ट और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे स्लोली स्लोली। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है स्क्रीन में, इसलिए सही से लिखा नहीं पा रहे हैं। तो आज इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। इसके बाद भी बताइएगा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, रिपोर्ट एंड स्ट्रीम करेंगे हम लोग, काफ़ी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक नहीं करते हो दोस्तों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए यार, थोड़ा सा शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों से कि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। सेल्फिश नहीं बनना लाइफ में, दूसरों को भी फ़ायदा के लिए करना। अभी कोरोना काल चल रहा है तो थोड़ा सा घर पे रहिए, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और घर पे रहिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। कोई दिक्कत हो आप लोग किसी भी प्रकार का तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टा का और फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कीजिए। कोई दिक्कत हो तो मेल भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ मेल आईडी भी दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग, कंप्यूटर जी दिखाइए जरा सा, यहाँ मेल आई डी livestudy07 07@gmail.com, ये मेल आई डी यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। और टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं डाउट डिस्कशन करने के लिए, आपस में डिस्कशन करते रहते हैं। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।